बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपका अपना चैनल और आपकी अपनी हॉस्ट, इसमें मैं आपको वेलकम करती हूँ। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जो न्यू है मेरी वीडियो पे, जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचे। और आप मुझे वीडियो वॉच करके क्या करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें। व्यूअर्स ये देखें, गर्मी हो रही है जिस टाइम पर और गंद काफ़ी पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से सफ़ेदी को खींचा जा रहा है अच्छी तरह से, इसको पुरानी सफ़ेदी को उतारा जा रहा है ताकि जिस टाइम पर अच्छी तरह से हो, ये आप देख सकते हैं। और ये सीढ़ी लगाई हुई थी, इसके ऊपर चढ़ के सारा रेगमर मारा है, जहाँ जहाँ से कली ख़राब थी। और एसी के ऊपर भी स्टिच रोल चढ़ा दिया ताकि इसके अंदर गर्द ना जाए, मट्टी ना जाए, इसको भी पैक कर दिया इसी को भी। और यहाँ पे ब्रश के साथ किया जा रहा है पेंट, और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर लग रहा है। डिस्टेम्पर का पहले वाइट थी, सफ़ेदी की हुई थी, सबसे पहले डिस्टेम्पर किया हुआ था ऑफ वाइट कलर का, फिर वाइट सफ़ेदी कर दी, अपनी डिस्टेम्पर ही करें क्योंकि सफ़ेदी सही नहीं थी, वो उतर जाती थी। डिस्टेम्पर सही रहता है, इसका डिज़ाइन भी सही आता है और ये उतरता नहीं है, सफ़ेदी के बहुत मसले होते हैं, तो डिस्टेम्पर ही हम करवा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये यूज़ किया जा रहा है रोलर, इसके साथ कर रहे हैं डिस्टेम्पर। और ये भाई साहब सीढ़ी पर चढ़ के अच्छी तरह से ट्राई कर रहे हैं। मैं बागी हूँ किचन में, और व्यूअर्स मैं साथ साथ बना रही हूँ बिरयानी, अंदर हो रहे हैं पेंट, तो मैंने कहा चले मैं खाना बना लेती हूँ। सुबह हमारे आए थे नान चने, तो मैंने कहा बाज़ार से तो नहीं ना हर टाइम, तो घर में भी बनाना चाहिए। घर में सारा सामान मौजूद था बिरयानी का, तो फिर मैंने कहा चले बिरयानी मैं रख लेती हूँ, क्योंकि मैं आपको वजह बताऊँगी कि दो दिन मेरी वीडियो क्यों नहीं आई। तो अभी आपसे शेयर करती हूँ मैं के वजह बताती हूँ कि क्यों नहीं मेरी वीडियो आ सकी। और भी यहाँ पे मैं ना घी में प्याज डाल के अंदर चली गई, और प्याज देखें कैसे सवा हो गए। अब दोबारा से मसाला मुझे रेडी करना पड़ा, सिर्फ चिकन की बुनाई की लहसुन अदरक में प्याज सारा निकाल के मैंने टमाटर डाल दिए, दही डाल दिया, मसाला डाल दिया। अब दोबारा से एक प्याज मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया, बड़ा प्याज, ताकि इसका मसाला ना रेडी हो जाए। तो अब बन रही है यहाँ पर बिरयानी। मसाला फिर दोबारा से बनाया तो अच्छा बन गया, और अच्छी बनेगी इंशाल्लाह बिरयानी हमारी। बस आप देख सकते हैं, ये हमारे हमसायों के घर से आया चिकन का सालन, क्योंकि अली जी गए थे सपाड़ा पर कराए थे, तो घर में हो रहा था काम, तो फिर वहाँ वो खा नहीं सके, तो उन्होंने घर में ही उनका हदिया भेज दिया, दो अदद नान और साथ में ये सालन, चिकन का सालन। और घी देखे कितना ऊपर तक तड़ी आई हुई है घी के ऊपर, और बड़ा मज़े का लग रहा है, बड़ी मज़े की खुशबू भी आ रही है। थोड़ी सी बोटी मैंने खाई है वीवस, बहुत मज़े का, बड़ा ही टेस्टफुल है, बहुत मज़े का सालन बना हुआ है। अब मैं ध्यान से अपनी बिरयानी तैयार करती हूँ, यार ये ना हो कि ये भी मसाला मेरा जल जाए। और हाँ वीवस, आपको मैं बताऊँ वीडियो मेरी क्यों नहीं आ सकी, मेरे खालू हमारे वफात पा गए, दो दिन हम उधर गए रहे लाहौर से बाहर, तो जंग हमें जाना पड़ा, जंग में वो रहते थे, तो हम कल ही वापस आ गए। परसों उनकी डेथ हुई है जुमे वाले दिन, और कल उनको उनकी मदफीन की, उसके बाद हम घर में आ गए कि हमारे खुद शादी है, तो उनसे हम पूछ के तो घर वापस आए। घर में बड़े काम थे इसीलिए नहीं, तो अब हमने पेंट और कलियों से भी फारिग हो गए होना था, जो अभी हम कर रहे हैं। तो शादी ये पिछले जुमे को वो फौत हुए हैं, ये जो जुमा गुजरा है, हफ्ते को उनको मदफीन उनकी हुई है, और आज उनके कुल थे, पर हम कल ही आ गए। तो आने वाले ये दिनों में जैसे जुमा हफ्ते इतवार आएगा तो हमारी शादी है, तो अल्लाह ताला भाई सब पे अपना ख़ास करम करे, रहम करे, फजल अता फरमाए। ये सारे मामला अल्लाह को ही पता होता है, जो दुनिया से जा रहा है और कौन आ रहा है, गमी खुशी अल्लाह के सिवा कोई नहीं गैब का इलम जानता। तो देखें सब बिज़ी थे अपने अपने घरों में और तैयारियां कर रहे थे, तो अचानक उनकी बीमार तो थे वो, हमारे इधर आए हुए थे, रह के भी गए हैं, बीमार वो थे, तो डॉक्टर ने कह दिया वतन की खिदमत करें, तो उनकी फैमिलीज को सबको पता था, बच्चों को पता था, उनके बेटों को, कि डॉक्टर्स ने ऐसे ही कहा कि इनकी खिदमत करें, तो उनका जो वक़्त मुकर्रर था अल्लाह
के पास जाने का वो वक्त आ गया और वो वफात पा गए। अल्लाह ताला भी उनके दर्जा बुलंद फरमाए, जन्नतों में उनके घर बनाए। तो फिर इसीलिए हमारा ज़रा सा काम अब आज हम करवा रहे हैं, इतवार वाले दिन आज हमने करना शुरू कर दिया। तो हमारी तो भाई दुआ है सब के लिए जो भी दुनिया से जा चुके हैं, दुनिया फ़ानी से, अल्लाह ताला सबकी बख्श मौत फरमाए, उनके पीछे हमारी भी बख्श मौत फरमाए और खालू हमारे के दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। और बाकी सब भी जो घर से गए हुए थे सब आ जा रहे हैं वापस, कुल के ख़त्म के लिए वो रुक गए थे बाकी घर वाले, और सब की आज वापसी है, सब आज घर आ जाएंगे। तो उनके लिए भी मैंने अभी खाना रेडी करना है, ये मैंने कर दी है चावल रेडी, ये भी खा लेंगे, और साथ में अब कोई हांडी भी बनाते हैं, रोटियां बाज़ार से आ जाएंगी। व्यूअर्स तो बड़े काम है, तो मुझे इजाज़त दें अपनी होस्ट को, तो दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो फिर होती रहेंगी मुलाकातें, तो खसूसी दुआओं में याद रखिएगा व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको मुझे दुनिया जाके खुशी से माला मार करे, जान मार दो तो अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए और अपनी रहमतों के साए के नीचे रखे। तो अंदर का पेंट दिखा देती हूँ कितना हो गया, फिर आपसे लेती हूँ इजाज़त व्यूअर्स। मैं परिंदे भी देखे, शाम होगी तो घर को जा रहे हैं वापस, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये वाली दीवार हो गई है और यहाँ तक हुई है, अभी इधर से रहती है। ये वाली भी दीवार हो गई है सारी, आप देख सकते हैं, और यहाँ से हो रही है अभी, और इधर भी बारिश के साथ की जा रही है। अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।